राम राम सा, मैं हूँ प्रिया, मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोसिस रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले अभिमान के ऑफिशियल ट्रेलर पे, और इसमें सुपरस्टार जीत दा, उनके साथ है सुभाषी मैम, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज चक्रवर्ती ने, और ये एक बंगाली मूवी है, तो सबसे पहले हमें ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। তিন মাস বাদে আমার জন্মদিন, এবার আমার ইচ্ছেটা কি পূরণ করতে পারবে বলো? কি চাই তোমার? সুখ দাদু ভাই, অসম্ভবকে চাইছেন আপনি? অসম্ভবকে সম্ভব করাই তো আদি নেশা। ড্রাইভার চাকর রাধুনি হাতা খুঁতি করাই, এসব নিয়ে ভাবো দীপ? তুমি সত্যি ড্রাইভার তো? থ্যাংক ইউ। ইউ ওয়েলকাম। আপনার আগে মাথা খারাপ ছিল বলেননি তো স্যার? সেবক পেয়ে গেছে। 10টা 5টা চাকরি, শনি রবিবার ছুটি, পূজোর বোনাস, এসব কিছু পাবি না। এত ড্রাইভার হয়ে এলে, আর এলি যখন, এত দেরি করে এলে কেন? যে ড্রাইভারকে ট্যাঙ্ক ফুল করতে দিবি, সে টাকা না নিয়ে চাবি নিয়ে চলে যায় না। তুমি কি ভেবেছিলে আমার মন জয় করে আমাকে তোমার দাদুর কাছে নিয়ে যাবে? আমি তোমার চিনতে পারবো না। গুলি আমি চালাতে জানি, আর আমার টার্গেট তোমার দাদুর মতো মিস হয় না। ইনি কি আপনার পিসি নাকি শহরের ডিসি? জানেন আমার পিসি আমার দাদুর খুব আদরের, আর সেই পিসি একদিন হারিয়ে যায়। সেই হারিয়ে যাওয়া পিসিকে খুঁজতেই আমি আপনাদের বাড়িতে ড্রাইভারের কাজ করছি। বাবা, একটা সম্পর্ক ভেঙে গেলে সেটাকে আবার গড়তে যে কত কষ্ট সেটা আমি জানি ম্যাডাম, তাই আর একটা সম্পর্ক ভেঙে যাক সেটা আমি চাই না। একবার যদি প্রেম হয় তাহলে তো বিয়ে হবে, আর যদি বিয়ে হয় তাহলে আপনার পিসিমণি, সে আপনার বাড়িতে যাবে, আর দ্যাটস ইট। বিয়ে হোক না হোক, পিসিমণিকে এখান থেকে নিয়ে যেতে হলে, পিসিমণি সেদিন যদি আমি ভাবতাম যে সে সব কিছুর জন্য তুমি দায়ী, তাহলে আজ এই রিভলভারটা আমার হাতে থাকতো, আর উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে থাকতে তোমরা দুজন। सो गाइस, ये था विमान का ऑफिशियल ट्रेलर, और इस मूवी में मतलब सब कुछ देखने को मिलेगा। इसमें आपको एक्टिंग देखने को मिलेगी, ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, कॉमेडी देखने को मिलेगी, एक्शन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ये सब करते हुए मतलब जीत दाद देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी मतलब काफी तगड़ी लग रही है ट्रेलर के हिसाब से। हाँ, वैसे ये एक फैमिली ड्रामा मूवी है, मतलब जो जीत सर का जो कैरेक्टर है वो अपने दादा की लास्ट विश को पूरी करने के लिए आते हैं, और अपनी मतलब जो उनकी आंट दिखाती है उनको वो वहां लेके जाना चाहते हैं। तो इस पूरी स्टोरी के अंदर सच में सारे इमोशंस हमें देखने को मिल रहे हैं, और इतना कमाल की है जीत दा की एक्टिंग, और बहुत तगड़ी है। स्पेशली उनकी मूवीज के जितने भी गाने आते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, और इसमें भी मतलब एक गाना आया था बीच में, वो भी काफी अच्छा लग रहा था, कुछ सेल्फी सेल्फी करके था, तो वो काफी अच्छा लग रहा था। सो ओवरऑल ये ट्रेलर हमें तो बहुत अच्छा लगा। वैसे हमारी मूवी देखी हुई नहीं है, अगर आपकी देखी हुई है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि मूवी आपको कैसी लगी। बाकी ये ट्रेलर हमें बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको तो वहां तक आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना, और अपना सपोर्ट इस चैनल पे मिले रखना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।